गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। आज के अखबारों की सारी सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे आज के अखबारों की कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है महाराष्ट्र से संबंधित है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया। तो हमारे एग्जाम क्या पूछा जा सकता है? हमारे एग्जाम पूछा जा सकता है कि अभी तक भारत में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। तो सबसे पहला नाम है जगदम्बिका पाल का, जो एक दिन के लिए सीएम रहे 24 घंटे के लिए। दूसरे नंबर पर बी एस येदियुरप्पा का नाम आता है, जो लगभग 55 घंटे तक सीएम रहे। और तीसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। तो ये नाम हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सतीश प्रसाद सिंह का, सिब्बू सोरेन का, एम सी मारक का, सी एच मोहम्मद का और पी पी मंडल का नाम आता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तीन शुरुआती नाम इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जानकी रामचंद्रन का नाम भी हमें याद रखना है कि अगर पूछे कोई सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन थी, तो जानकी रामचंद्रन 1987 में 24 दिन तक ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। अगली जो न्यूज है वो क्या है कि जो राजस्थान की स्पोर्ट्स सेक्शन से संबंधित ये न्यूज है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम सैफ गेम के लिए साउथ एशियन फेडरेशन, जो दिसंबर में होंगे, 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक, उसके लिए जो भारतीय महिला कबड्डी टीम है उसमें चयन हुआ किसका? राजस्थान की महिला कांस्टेबल ममता का। तो पूछा जा सकता है कि ममता कौन से गेम संबंधित है कबड्डी से? पूछा जा सकता है कौन से जिले से संबंधित है? तो सीकर जिले से संबंधित हैं। अगली जो न्यूज है वो क्या है कि जो ICC की टेस्ट रैंकिंग है, 3 टेस्ट रैंकिंग आती है, एक तो ऑलराउंडर, टॉप 10 ऑलराउंडर, टॉप 10 बल्लेबाज और टॉप 10 गेंदबाज। अगर बात करें टॉप 10 बल्लेबाज की, तो उसमें 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल, कौन कौन से? 2 नंबर पर विराट कोहली है, 4 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा है, 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे हैं और 10 नंबर पर मयंक अग्रवाल है। 4 बल्लेबाज टॉप 10 में। इसके अलावा बात करें ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर की लिस्ट में 2 नंबर पर रविंदर जडेजा है और 5 नंबर पर आर अश्विन है। अगर बात करें बॉलिंग की, तो टॉप 10 बॉलिंग में 5 नंबर पर जसप्रीत बुमराह है और 9 नंबर पर आर अश्विन है। तो ये खिलाड़ियों का नाम हमें ध्यान रखना है कि ICC की टेस्ट रैंकिंग में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। अगली जो न्यूज है वो क्या है कि संविधान दिवस। सुबह सुबह मैं देख रहा था कि लाइव क्लास होती है कहीं, और उसमें इस तरह का कि वो इनामी सवाल, और इनामी सवाल में मुझे बहुत ही 80 आ रही थी, क्योंकि इनामी सवाल इस तरह का था जिस तरह से पेपर में कई बार आता रहा, क्विज का आंसर दो BMW पाओ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें पूछा जाता है कि दबंग का अभिनेता कौन था, तो सबको पता है कि उसमें कुछ निकाल। तो इसी तरह का वो सवाल था कि 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, और उसमें चिल्ला चिल्ला बोला जा रहा था संविधान दिवस, ये दिवस, वो दिवस, 2-4 ऑप्शन और थे, और फिर उसमें आपसे कहा जा रहा था कि तुरंत इसका आंसर दीजिए। होगी तो इस तरह की, मुझे लगता नहीं कि इस तरह के क्विज में पार्टिसिपेशन से कोई कॉस्ट ऑफ बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज इससे आपकी केवल डिटेल्स स्टोर की जाती है, नथिंग मोर देन दैट, कि आपके मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स वहाँ स्टोर है। तो डाटा सर्वर हब में आप फालतू में डिटेल्स स्टोर करने से उनका मिसयूज किया जा सकता है। तो इस तरह के, हाँ, अगर कोई लॉजिकल अच्छी क्विज है तो उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, अपना स्कोर जांचना चाहिए, लेकिन इस तरह के घटिया सवाल जिनका आंसर ओबियसली बात है चिल्ला चिल्ला सबको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस ही मनाया जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन मुझे लगता नहीं कोई कॉस्ट ऑफ बेनिफिट है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और क्या ये शुरुआत से संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को? नहीं, 2015 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। तो 2015 से 26 नवंबर को मनाया जा रहा है संविधान दिवस। हाँ, इसके बारे में 2-4 बातें और हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो क्या कब हुई? 9 दिसंबर को हुई। 9 दिसंबर में अस्थायी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। इसके अलावा जो पहला सेशन हमने बताया था कि 9 दिसंबर को हुआ था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्यों ने भाग लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। और 19 नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें जो संविधान के बारे में पता होना चाहिए। 26 नवंबर को दो डे और सेलिब्रेट किया जाता है। कौन कौन सा डे? एक तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन 26 नवंबर को ही है, तो इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 में जो भारतीय डेयरी, क्या शुरुआत से सेलिब्रेट किया जा रहा है? नहीं,
2014 में भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार ये दिवस मनाने की पहल की कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन संबंधित है, कब इसकी शुरुआत की गई, तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है और गुजरात में देश की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी डेयरी है कौन सी, अमूल डेयरी। अगर पूछें विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस 2019 की थीम क्या थी, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ठीक है। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क दिवस और राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 1 जून को जो विश्व मिल्क दिवस मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है कि ब्रिटिश अभिनेता हैं इद्रिस एल्बा, कौन है इद्रिस एल्बा, उनके नाम पर ततैया की एक जाति का नाम रखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि इद्रिस एल्बा जो हाल ही में खोजी गई एक नई स्पीशीज है, किसकी, ततैया की है। और इद्रिस एल्बा कौन थे, ब्रिटिश के एक अभिनेता एक्टर थे, ठीक है। और उन्होंने हेमडोल फिल्म में अपना किरदार निभाया, हेमडोल फिल्म में। अगली जो न्यूज है वो क्या है, ग्लोबल बायो इंडिया समिट नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा और पहला जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट आयोजित किया गया। तो पूछा जाए कि भाई ग्लोबल बायो इंडिया समिट का आयोजित किया गया नई दिल्ली में, आयोजित किया कौन कौन इसके आयोजक थे, तो भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिषद, जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान CSIR के साथ मिलकर के इन्होंने इसका आयोजन किया। इसके अलावा राज्य भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली का विलय करके उसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसका आज से एक बिल लाया जाएगा अभी संसद के अंदर। गुजरात के पास पश्चिमी तट पर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं और इनका विलय होता तो ये बेहतर प्रशासन और विभिन्न कार्यों के दोहराव को रोकेगा। वर्तमान में देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। लेकिन अगर इनका विलय हो जाता है तो कितने केंद्र शासित प्रदेश रह जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश रह जाएंगे। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, गोल्डन राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है गोल्डन चावल। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित चावल की किस्म है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित चावल किस्म का मतलब क्या होता है कि यदि चावल की ऐसी किस्म जिसमें कोई बाह्य जीन डाल दे, बाहर से किसी कोई नया जीन डाल दे, तो उसको बोलते हैं आनुवंशिक रूपांतरित या GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप, या फिर उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक, या फिर उसको बोलते हैं काइमेरिक। तो ये तीन नाम ध्यान रखना कि यदि किसी में भी आनुवंशिक रूप से कुछ बदलाव कर दिया तो उसको काइमेरिक या GM या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट या क्रॉप कहते हैं। तो ये ऐसी चावल की किस्म है गोल्डन राइस जिसमें क्या बदलाव किया गया है कि उसके अंदर ऐसा जीन डाल दिया गया जो बीटा कैरोटीन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, बीटा कैरोटीन, और जिससे क्या बनता है, विटामिन ए। इसको गोल्डन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके दाने का ऐसा रंग होता है सुनहरा रंग होता है। जो अच्छा विटामिन ए किस काम आता है, विटामिन ए बच्चों में अंधेपन को रोकने के लिए सहायक है, बच्चों में अंधेपन नहीं होने देता है। इसके अलावा मीजल्स जैसी बीमारियों में भी ये सहायक रोकने में सहायक है। अगली जो न्यूज है वो क्या है कि लोकपाल का जो लोगो है और मोटो स्लोगन दोनों जारी कर दिए गए। हमारे भारत के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र मिश्रा हैं। इसके बारे में, लोकपाल के बारे में जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक लेक्चर अवेलेबल है डिटेल में, लोकपाल क्या है, लोकपाल की स्थापना कब की, कब से इसकी शुरुआत की, लोक आयुक्त क्या होता है, सारे फैक्टर उसमें डिटेल में कवर किए गए, तो आप देख सकते हैं। इसका जो लोगो है या स्लोगन है वो क्या है, ईश्वास से उपनिषद। इसका अर्थ है कि दूसरों के धन के प्रति लालची नहीं होना चाहिए, दूसरों के डोंट बी ग्रेडी फॉर अनदर वेल्थ। इसके अलावा अगर जो डिज़ाइन देखें या जिसको लोगो देखें, तो लोगो तैयार किया प्रतीक मिश्रा ने, प्रयागराज के निवासी प्रतीक मिश्रा, उन्होंने लोगो तैयार किया। और इस लोगो के अंदर कुछ चीज़ें जैसे जजों की बेंच इसमें दिखाई गई, लोगों को दिखाया गया, तीन मानव आकृति भी इसके अंदर दिखाई गई, अशोक चक्र भी इसके अंदर दिखाया गया। अशोक चक्र किसको शो कर रहा है, आँखों को शो कर रहा है कि विजिलेंट है। इसके अलावा कानून की किताब और न्यायपालिका को इसमें भी इसमें दर्शाया गया। न्यायपालिका को इसके माध्यम से दर्शाया गया, तीन रंग वाले हाथों के रूप में इसको दर्शाया गया, तीन रंग वाले हाथों के रूप में किसको दर्शाया गया, न्यायपालिका को दर्शाया गया। तो ये लोगों के बारे में कुछ कक्षा में पता होना चाहिए कि लोगों में क्या क्या चीज़ें हैं। तीन मानव आकृति हैं, जजों की बेंच है, अशोक चक्र है, कानून किताब है,
और जुडिशरी। जुडिशरी किस रूप में दर्शाया गया है? संतुलन बनाने वाले तीन रंग वाले हाथों के रूप में दिखाया गया है। अशोक चक्र किस रूप में दिखाया गया है? पुतलियों की आँख और पुतलियों की तरह दिखाया गया है, जो विजिलेंस। तो दैट इज आवर टुडे न्यूज एडिशन, होप यू लाइक इट। यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने कार्टोसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया PSLV-47 से। तो इसके लिए एक अलग से क्विज सेक्शन पर हमारी टीम काम कर रही है, जो स्पेस से संबंधित क्विज होगी और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते वो आज नाइट तक या कल मॉर्निंग में हम उस क्विज को अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल मॉर्निंग।